देखिए, हर घर में चाय बनती है, हर घर में कॉफ़ी बनती है। जो चाय है, चाय पत्ती के बिना तो बनेगी नहीं। फिर चाय पत्ती आप छाननी में निकालते हैं, सीव करते हैं, उसको चाय पीते हैं, और फिर वो जो चाय पत्ती है आप उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। नहीं, उसको आप एक बाउल में कलेक्ट कीजिए, ठीक है। आप इस तरह के नारियल के खोलों में भी कर सकते हैं। फिर उसको लेके उसको धूप में सुखाइए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है वो, है ना। ये देखिए, ये चाय पत्ती जो सूखी हुई है आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये है, ये चाय पत्ती पूरी सूखी हुई है, चाय पत्ती, ठीक है। इसको आप फिर एक ऐसे डब्बे में डाल दीजिए, ग्लास के डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में, और फिर थोड़ा सा मेजर करके इतना, ये देखिए। मैं नारियल के खोल जो होते हैं ये कटोरी की तरह भी यूज़ करता हूँ, इसको डिगिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ, मेजरमेंट के लिए भी यूज़ करता हूँ। तो ये बस इतना सा, ज़्यादा नहीं, आप समझ लो आधा खोल नारियल का, ठीक है। ये आप एक गमले में महीने में एक बार डाल दीजिए। इट इज़ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द सॉइल, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी चाय पत्ती है उसको आप प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए, उसको धूप में सुखा लीजिए। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं नहीं उसमें चीनी चिपकी होती है तो उसको वॉश करनी चाहिए, कर लो, मैं तो नहीं करता। तो उसको एक बार वॉश करके, और अगर उसमें अदरक है, इलायची है, उसको भी यूज़ कीजिए भाई। सॉइल में जो भी कुछ जाएगा वो तो डिकम्पोज हो जाएगा और वो खाद बन जाएगी। सो सूखी पत्ती, कोई भी चाय पत्ती वेस्ट मत कीजिए।